नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। अत्तापुर डिवीजन खायम नगर के इलाके में टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी छेवड़ला इंचार्ज जनाब मीर यूसुफ अली ने पैदल दौरा किया, घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। सीएम केसीआर के हुकूमत में आवाम को किस तरह स्कीमा दिए जा रहे हैं, इसी तरह आवाम के लिए अच्छी सोच रखने वाले केसीआर को इस बार भी वोट डालकर यहां के एमपी उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत रेड्डी को जिताने की गुजारिश की। इस प्रोग्राम में एक्स मिनिस्टर पटाला भूमन्ना, अत्तापुर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जंगया शहबाज बाखरी मिर्ज़ा अली के साथ कसीर तादाद में आवाम ने इस पैदल दौरे में हिस्सा लिया। रिपोर्टर मोहम्मद जाफर के साथ मैं मोहम्मद दस्तगीर, तेलंगाना स्टार न्यूज़। बड़ी खुशी हो रही है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। कार का निशान पे वोट दो, कार का निशान पे वोट दो। अरे है अरे बहुत भाई आगे आपका दम खड़ा यहाँ भी बोले आइए सब भैया। हमारे एमपी साहब को दिखाइए, कार का निशान है, इसका क्या कर रहे हैं आपको अच्छी तरह मालूम है पूरा। असद साहब भी अपने की मदद कर रहे हैं। जी हाँ, वोट कार का निशान पे, वोट कार के निशान पे नंबर दो। हाँ, एमपी साहब है, असद साहब है, केसीआर साहब है। रंजीत रेड्डी पर्सन है, डॉक्टर रंजीत रेड्डी। आप देखिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इंशाल्लाह बताइए हमको। हमारी हुकूमत आप लोग के साथ है। भाई बोला ना, भाई साहब हमारी अक्षरियत से जिताना है। डॉक्टर रंजीत रेड्डी बेहतरीन कैंडिडेट है। केसीआर साहब भिजाए हैं हमारे को, हमारी अक्षरियत से हमारे कैंडिडेट जीते ठीक है ना। कैसे आप आपके तरफ से आए हो, ऐसा भी भारी अक्सर इससे दिखाई इधर आ रहा गवर्नमेंट इलेक्शन है। मेरा नाम अली अली हुसैन सैन सैन सौ जब कच्ची रोड थी आज पक्की रोड है। आपसे गुजारिश है भारी अक्सर करके हमारे मेरा नाम मैं केसीआर साहब के पास से हाजिर हुआ हूँ। आप लोग से गुजारिश है भारी तक से अक्षरियत से हमारे कैंडिडेट को बिताइए। कार का निशान पे वोट डालना 11।
एमपी कैंडिडेट है रंजीत, इधर देखो साहब, रंजीत रेड्डी साहब है, केसीआर साहब, असद साहब, सब लोग अब मिलकर इसको ठहरा करें, अपन कार का निशान पे वोट देना, ठीक है? अपना पूरा स्कीम से, हमारे स्कीम से सब मालूम ना जी, और टीआरएस ही है, बिल्कुल टीआरएस ही हमारा है, खोलना हमारा है, जिम्मेदारी है हमारा। ओके ओके, शुक्रिया, ठीक है ना? ओके ना, सर आप भी डालो, आपका जितना भी वोट है आज खायम नगर का हमारा दौरा हो रहा है, अतापुर डिवीजन, इसमें हर गली में एक ही आवाज़ है, सिर्फ केसीआर। इसकी वजह यह है कि जो केसीआर साहब के स्कीम्स हैं वो तारीफ़ काबिल हैं, और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब जो काम किए हैं, हर कोई, मैं आने से इससे पहले भी एक विज़िट किया, मैं ये सेकंड टाइम मेरा विज़िट है, इसमें बेहतरीन आलिशान रोड डलाए हैं कॉर्पोरेटर साहब, जंगिया साहब की जो मेहनत है इनकी, और प्रकाश गौड़ साहब जो एमएलए है लोकल, उनकी भी बहुत मेहनत है, तो इस बात की बेहद खुशी। अभी मालूम हुआ कि ग्रांट इन एड और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जंगिया साहब करवाए हैं अब्बास साहब को, अब्बास साहब बहुत बेहद तारीफ़ कर रहे थे जंगिया साहब की, और जो भी उनके पेंडिंग इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो भी हम फुलफ़िल करेंगे। और मैं आपको ख़ास तौर पे यहाँ के लोकल लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आज एजुकेशन के लिए जो केसीआर साहब दे रहे हैं, शायद कोई हुकूमत ने करी, हिंदुस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर है जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, हर धर्म के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हर एक के लिए किए हैं, शादी मुबारक स्कीम किए। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हर जगह यही हो रहा है कि शादी मुबारक स्कीम की जो बेहतरीन कारगरी है, जो अल्फाज नहीं है उनके लिए जो तारीफ़ कर रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि साथ ही साथ अब आप एजुकेशन पे ले लीजिए रेजिडेंशियल स्कूल्स, आज रेजिडेंशियल स्कूल शायद मशीन स्कूल से शानदार रेजिडेंशियल स्कूल से, आज सारे आवाम को हर चीज़ की सहूलत है, ये इस इनके दौर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खुश है, हर धर्म के लोग खुश हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जय केसीआर, जय केटीआर। आज का ये प्रोग्राम में अपना यूसुफ भाई इंपॉर्टेंट आदमी है, अपना छवेल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से माइनॉरिटी का ओर से प्रचार करने को आया, हमारे को बहुत खुशी हुआ, और हमारा एक्स मिनिस्टर साहब भी हमारा साथ में हैं, साहब भी कुछ देखा है अपना कायम नगर अत्तापुर डिवीजन में कितना डेवलपमेंट हो रहा, केसीआर साहब अपना तेलंगाना आने के बाद में सब हर एक गली, हर एक फ्लाईओवर्स सब लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे पहले कौन सा कितना हुकूमत भी कुछ भी नहीं करे, इसके वजह से अपना कार का निशान पे अपना रंजीत रेड्डी साहब को भारी भारी सी वोट से डाल के अपना जिताने का अपना जिम्मेदारी है। केसीआर साहब ने हमारा यूसुफ भाई को भिजाया, हमारा एक्स मिनिस्टर को भिजाया, हमारे के भी हम भी तेलंगाना उद्यम में काम कर रहे थे, हमारे भी पहचान के हमारे को कॉर्पोरेटर दिए, हमारा मिसेज कॉर्पोरेटर है, इस ऐसा दौर में अपना जिंदगी में उजाला सुनहरे तेलंगाना बनना बोले तो सब लोग मिल के अपन लोग पूरा टीआरएस को मदद करना जितना ज़रूरी है वो तो उतना ज़रूरी है। कारु सारु पदहारु बोल के साहब केसीआर साहब ने बोल रहे, अपना 16 और एक एमआईएम पार्टी का असद साहब का एक मिल के 17 एमपी सीट से 17 को 17 जीता के दिल्ली को भेजने का है, जो भी है अपना कितना है तेलंगाना को कितना पैसा आने का उतना आने का, उन लोग देखते उन लोग फाइट करके वहाँ से लाते, और भी ये सोचे अपना सीएम साहब को भी अपना पूरा फेडरल फ्रंट बना के दिल्ली में भी अपना तेलंगाना का कितना वो है बोल के बताने का वो है, कौन सा पार्टी को डाले तो वो कोई भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करते, इसके वजह से पूरा सब लोग मिलके कार को गंपा गुत्ता वोट डाल के जिताने का आपसे उम्मीद रख रूँ मैं, जिताते भी कम से कम 4-5 लाख वोट मेजॉरिटी दे के पूरा 17 सीट में से अपना छवेल्ला पार्लियामेंट सीट का ज़्यादा मेजॉरिटी भारी मेजॉरिटी होना बोल के मैं सोच रूँ मैं, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। हर बार जो है केसीआर के तरफ से जो है टीआरएस पार्टी की तरफ से घूमे, हर जगह जो है पब्लिक जो है केसीआर को देने के वास्ते बिल्कुल रेडी है, दूसरे पार्टी को लोगों को जो है भरोसा नहीं है,
किया था जो है अभी स्टेट में जो है पूरे 16 MP जो है टीआरएस से जीतते स्टेट के लिए हवा है, पूरा केसीआर का हवा है। और जो यहाँ का रंजित रेड्डी जो है बहुत मेजोरिटी जीतेंगे, यहाँ के कारपोरेटर साहब और जो है हमारे दोस्त जो है मीर यूसुफ अली साहब भी जो है बहुत काम कर रहे हैं, और दूसरे साहब लोग भी जो है आपका नाम मुकरम मेहनत कर रहे हैं घर घर घूम के जो उनको जो जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते भी कोशिश कर रहे हैं। और जो है यकीनन जो है बिल्कुल जो है स्टेट में जो है 16 MP जो है टीआरएस की तरफ से जीतेंगे, और यहाँ पर भी रंजित रेड्डी साहब बहुत मेजोरिटी से जीतेंगे।